Welcome back once again. Our today's topic is handling CSV file in Python. So let us see. What is a CSV file? CSV file क्या होती है? CSV comma separated value file है जो एक plain text के रूप में होती है, जिसमें tabular data जो data row and column के रूप में होता है उसको हम स्टोर करते हैं। ये इतनी कॉम्पैक्ट होती है कि वेबसाइट का डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसको प्रीफर किया जाता है। वी कैन एक्सपोर्ट वेबसाइट डाटा इनटू सीएसवी फाइल इन वेरी इजी मैनर। तो जो डाटा है वो रो एंड कॉलम के अंदर होगा और जो रो है वो एंटर की या न्यू लाइन के रूप में एंड होगी और कॉलम है वो कॉमा के द्वारा सेपरेट किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो अगला है हमारा पाइथन सीएसवी मॉड्यूल। तो पाइथन के अंदर जैसे बाकी के बिल्ट इन मॉड्यूल अवेलेबल है, जैसे मैथ मॉड्यूल है, स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल है, पांडास है, ये और मॉड्यूल हमारे पास जैसे अवेलेबल हैं जिसमें बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो पर्टिकुलर मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करने पे ही नजर आते हैं, तो या उनको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है तब वो नजर आते हैं। ऐसा ही इसमें सीएसवी मॉड्यूल है जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करने के बाद ही ये चलेगा। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट सीएसवी इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे रीडिंग सीएसवी फाइल। तो सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास रीडर फंक्शन अवेलेबल है जो सीएसवी मॉड्यूल के अंदर होता है। दिस रीडर फंक्शन इज डेवलप्ड टू टेक ईच रो ऑफ द फाइल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल कॉलम्स, देन यू हैव टू चूज द कॉलम यू वांट टू द वेरिएबल डेटा फॉर दैट। मतलब कहने का सीधा सीधा सा है कि ये जो रीडर फंक्शन है ये रो वाइज आपका जो डेटा है वो रीड करता है और जो कॉलम्स हमें चाहिए वो उसके हिसाब से, प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए एक इसका छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कि इंपोर्ट सीएसवी, ये मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया है विद ओपन ई ड्राइव के अंदर हमारे पास एक पाइथन फोल्डर है। ठीक है, माय पाइथन फोल्डर, उसमें माय डेटा डॉट सीएसवी फाइल स्टोर है। ठीक है, इसको हमने रीड करना है फाइल ऑब्जेक्ट में, एफ ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब सीएसवी डॉट रीडर है, ये सीएसवी मॉड्यूल का रीडर फंक्शन कॉल होगा जो एफ से जुड़ी हुई फाइल यानी माई डेटा डॉट सी एस वी से डेटा उठा के डेटा के अंदर स्टोर करेगा, यहाँ इसको असाइन कर देगा और फिर ये जो डेटा है ये विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप एक एक रो करके हम इसको प्रिंट करेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो दिस इज अवर सिंपल प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके आपको इसको रन करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने सेम प्रोग्राम पेस्ट किया। अब ये देखिए, इसको आप रन कीजिए यहाँ पर। तो जो डेटा फाइल के अंदर स्टोर है वो हमें यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका हिसाब किताब है। क्लियर, तो ये हमने रीड किया है। आगे चलते हैं इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास है राइटिंग सीएसवी फाइल। राइटिंग सीएसवी फाइल के लिए हमारे पास वही जो सीएसवी मॉड्यूल है उसमें एक राइटर फंक्शन है जो डेटा को फाइल में राइट करने का काम करता है। तो अगर हमें एक एक रो करके राइट करना है तो हम राइट रो फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसको भी एक एग्जांपल के जरिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये एक एग्जांपल है
ठीक है, इम्पोर्ट CSV, ठीक है, और इस एग्जाम्पल के जरिए हमने जो है वो डेटा रीड किया है, ठीक है जी। तो ये जो डेटा है हमारे पास, ये स्ट्रेट कोट का चक्कर है, वो वहां कर लेंगे अपन, ठीक है। ये माई डेटा टू डॉट सी एस वी फाइल है, राइट मोड में इसको हमने खोली है, फाइल के नाम से ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। अब ये राइटर क्या करेगा, डेलीमीटर कोमा के साथ राइट करेगा, क्या राइट करेगा, राइटर डॉट राइट रो, पहली रो में ये हेडिंग, दूसरे रो में पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा, चौथा, इस तरह से ये सारे रिकॉर्ड ये इसने राइट करने, ठीक है। तो चलो इसको हम करते हैं राइट, कॉपी किया, कॉपी करके ये पाइथन के अंदर यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, ठीक है, और ये इसको हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसको रन करते हैं, ठीक है। रन करने से ये एरर जो अभी मैंने बताया अभी था आएगी, ठीक है, ये लीजिए, ये रन हो गया और हमारा जो फाइल है CSV डेटा टू के नाम से है ना, माई डेटा टू डॉट CSV के नाम से ये फाइल बन गई है, ठीक है। तो ये पाइथन के फोल्डर के अंदर है, ई ड्राइव के अंदर जो हमारा पाइथन फोल्डर है उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये माई पाइथन फोल्डर है, माई पाइथन फोल्डर के अंदर ये माई डेटा टू नाम की ये फाइल हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ गई, ये फाइल हमारी बन गई। इसको आप एक्सेल में खोल के देख सकते हैं, ठीक है, माई ई ड्राइव के अंदर माई पाइथन, ये एक्सेल में ओपन करके आप इसको देख सकते हैं, इज दैट क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है रीडिंग CSV फाइल एज ए डिक्शनरी, CSV फाइल को डिक्शनरी के रूप में कैसे रीड किया जा सकता है। तो इसके लिए हम वही CSV मॉड्यूल के अंदर से डिक्ट रीडर फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है डिक्शनरी में दो चीजें होती है, एक की और दूसरी उसकी वैल्यू। यहाँ पर अभी हमने एक फाइल राइट करवाई थी स्टूडेंट की, जिसमें रोल नंबर, नेम, क्लास और परसेंटेज, ये आपका जो रो का हेडिंग है इसमें नीचे डेटा हमने स्टोर किया है, ठीक है। तो जो रो हेडिंग है दैट बिकम योर की, और जो डेटा है वो आपकी बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं। तो ये CSV, वही इम्पोर्ट CSV, रीडर इज इक्वल टू CSV डॉट डिक्ट रीडर, ओपन करेंगे फाइल को, ठीक है, और फाइल को ओपन करके इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम वन बाय वन करके डिक्शनरी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे, तो वन बाय वन रो, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करके इसको पाइथन में ले जाते हैं, ठीक है, पाइथन में ले गए और यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया, यहाँ ये कॉपी पेस्ट में हो जाता है, ठीक है, ये इसको ठीक किया, इसको रन करेंगे तो जो डेटा अभी हमने राइट किया था आपके सामने, ठीक है, माई डेटा टू में, ये देखिए यहाँ माई डेटा टू ही हमने रीड की है, माई डेटा टू डॉट CSV, इसमें जो डेटा हमने राइट किया था वो एज ए डिक्शनरी के रूप में हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आया, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था CSV के ऊपर, आई होप यू एंजॉय इट, थैंक यू वेरी मच।